क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। मथुरा में अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को खून से लिखकर पत्र भेजा है। पत्र में सीएम योगी से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शाही ईदगाह में लड्डू गोपाल के अभिषेक की इजाजत मांगी है और मांग न पूरी होने पर सीएम योगी से इच्छा मृत्यु की मांग की है। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने खून से पत्र लिखा है। उसमें हमने मांग की है कि जो कृष्ण जन्माष्टमी का जो पावन पर्व आ रहा है, उस दिन हम सब ब्रजवासियों सहित हमें माँ पूजा करने की परमिशन दी जाए। हम माँ पूजा करना चाहते हैं जहाँ कान्हा का जन्म हुआ था। वो कान्हा का जन्म स्थान ईदगाह परिसर के नीचे है, इसलिए जो अब तक पूजा होती है वो ईदगाह परिसर में नहीं, वो बाहर होती है। जहाँ कान्हा का जन्म ही नहीं हुआ वहाँ पूजा होती है, लेकिन असली कान्हा का जन्म हुआ था ईदगाह परिसर के नीचे, जहाँ कंस की जेल थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो हनुमान जी का अवतार हैं, आप ही हमारी मदद कीजिए। आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें वहाँ पूजा करने की परमिशन दे सकते हैं। किस तरह से गुहार लगाई जा रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखकर गुहार लगाई है, लड्डू गोपाल के अभिषेक की मांग करी है, शाही ईदगाह में अभिषेक की मांग करते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें, मथुरा से ये खबर सामने आ रही है और लगातार अयोध्या के बाद अब मथुरा का मुद्दा भी काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है और अब जन्माष्टमी भी निकट है और ऐसे में मथुरा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने सीएम योगी को खून से पत्र लिखा है और पत्र में सीएम योगी से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शाही ईदगाह में लड्डू गोपाल के अभिषेक की इजाजत मांगी है। आपको बता दें कि यहाँ दिनेश शर्मा ने कहा है कि लड्डू गोपाल का जन्म उस जगह पर हुआ था जहां मौजूदा वक्त में शाही ईदगाह है। शाही ईदगाह के नीचे ही वो कारागार है जिस कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और जो अभी तक जन्माष्टमी जहां मनाई जाती है, जहां अभिषेक किया जाता है, उस जगह पे नहीं बल्कि जहां पे शाही ईदगाह है वहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए इजाजत मांगते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ इजाजत न मिलने पर इच्छा मृत्यु की मांग भी कर चुके हैं। मांग न पूरी होने पर सीएम से इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। मथुरा से ये खबर सामने आ रही है जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर जन्माष्टमी पर शाही ईदगाह में लड्डू गोपाल के अभिषेक की इजाजत मांगी है। जहां मथुरा कि शाही ईदगाह मामला भी काफी चर्चा में बना हुआ है और अब कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर है, देश विदेश से लाखों श्रद्धालु मथुरा में एकत्र होते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाने के लिए, जन्माष्टमी मनाने के लिए, और ऐसे में लड्डू गोपाल के अभिषेक का जो मंजर होता है वो काफी भव्य होता है, भव्य तरीके से मनाया जाता है। जिस तरह से एक बच्चे का जन्म होता है और पूरा विधि विधान किया जाता है, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिखाया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है और इस अभिषेक के बाद पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करी जाती है, लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाया जाता है। और इसी उपलक्ष्य में इस बार शाही ईदगाह में लड्डू गोपाल का अभिषेक की मांग करते हुए अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष दिनेश शर्मा नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस बार अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए 2 बड़ी बात करी हैं। एक, अपने खून से पत्र लिखकर सीएम योगी को अभिषेक करने की मांग की है और दूसरा ये कि अगर मांग ना पूरी हुई तो इच्छा मृत्यु की मांग करी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सीएम इस चीज की इजाजत दे सकते हैं। हालांकि ये मामला अब कोर्ट में चल रहा है शाही ईदगाह का और साथ ही साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि का, और इसको लेकर अब एक और मामला सामने आ गया है जहां जन्माष्टमी के अवसर पर लड्डू गोपाल का अभिषेक करने का, जन्मोत्सव मनाने का जो इजाजत है वो मांगी जा रही है, वो भी शाही ईदगाह में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी काफी धूमधाम से मथुरा में मनाई जाती है और मथुरा से ही ये चौंकाने वाली खबर सामने आई है जहां पे अपनी मांग को मुख्यमंत्री तक तो पहुंचाया ही गया है लेकिन एक अलग ढंग से पहुंचाया गया है। खून से पत्र लिखा गया है, उसमें अपनी मांग लिखी है, अपने आराध्य, अपने पूजनीय इष्ट के
जन्मोत्सव को मनाने की मांग करी गई है उनके जन्म स्थल पर। दिनेश शर्मा का, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष दिनेश शर्मा का ये मानना है कि श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था और वो कारागार शाही ईदगाह के नीचे है, इसलिए शाही ईदगाह में स्थान, जन्म स्थान होने की वजह से वो वहाँ पे लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव मनाना चाहते हैं। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जो पूरे भव्यता के साथ मनाया जाता है हर बार, जिस पे पूरे देश दुनिया की नजरें होती हैं, क्योंकि अगर कृष्ण भक्ति की बात करी जाए तो सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों में, विदेशों में भी श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनके दीवाने हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनकी भक्ति में लीन रहते हैं और ऐसे में सभी की नजरें रहती हैं उन पे। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता धनीराम जुड़ चुके हैं मथुरा से। धनीराम, जिस तरह से अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष ने ये मांग करी है सीएम से कि उन्हें अभिषेक की इजाजत दी जाए, जो कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा है उन्होंने ये मांग करी है खून से पत्र लिख के, किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है, क्या उनकी मांग को सुना जाएगा, किसी तरह की इजाजत मिल सकती है या फिर उन्हें कोई आश्वासन दिया जाएगा? जी, मैं आपको बता दूं कि हिंदू राष्ट्रीय महासभा के जो अध्यक्ष हैं दिनेश शर्मा जी, इन्होंने एक नई मांग रखी है कि हर साल जन्माष्टमी श्री के जन्म स्थान मनाई जाती थी और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती थी, परंतु अब की बार पहली बार इन्होंने एक नई अनोखी सीएम योगी से मांग की है। उन्होंने ये कहा है कि हम जो जन्मभूमि के बराबर में जो ईदगाह है क्या है उसमें अब के हम श्री कृष्ण का जन्म से और पूजा अर्चना करेंगे, जिसको लेकर के उन्होंने खून से सीएम योगी जी के नाम एक पत्र लिखा है और उसमें ये कहा है कि उन्होंने सीएम योगी जी को एक हनुमान जी की वो उपाधि दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह हनुमान जी ने सारे काम किए थे और आप ये कैसे हनुमान जी हैं कि जो काम कर सकते हैं और ये अनुमति दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीका से राम मंदिर का निर्माण किया गया और अब जन्मभूमि का मुद्दा उठाया जा रहा है इस चीज को लेकर के, तो उनका कहना है कि ये चाहते हैं कि श्री आदित्यनाथ जी ये आदेश करें कि मथुरा में जो अब की पहली बार और ईदगाह में मतलब इनको जलाभिषेक और पूजा अर्चना की जाए। तो उन्होंने खून से शायद पत्र लिखा है उन्होंने और ये मांग की है उन्होंने आपके। जी, अगर बात करी जाए कोर्ट की तो कोर्ट द्वारा इस पर सुनवाई भी करी जा रही है लगातार, ये मामला अब कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट द्वारा अभी तक किस तरह के आदेश दिए गए हैं, जांच आगे बढ़ रही है? अभी इसका कोई सुनवाई नहीं है क्योंकि तो विचाराधीन चल रहा है, ये मामला कोर्ट में भी विचाराधीन चल रहा है। काफी समय से इसके लिए याचिकाएं दायर की जा रही है लगातार, मथुरा में सामाजिक संस्थाएं धर्मलंबी है वो सभी बार बार इसी मांग को लेकर के बार बार कोर्ट में याचिकाएं दायर कर रहे हैं कि क्यों ना इस जन्मभूमि की जो 13.7 एकड़ जमीन है उसको मुक्त किया जाए, और लगातार कोर्ट पर भी दबाव बनाया जा रहा है इस बात का, परंतु अभी इस मामले को लेकर के पूरा मामला विचाराधीन में चला हुआ है, जिसके चलते हुए लगता है कि अभी इस तरह का कुछ भी इसे जन्मभूमि पर होने वाला नहीं है कि जो इस तरह की अनुमति दी जाए। जी धनीराम, जिस तरह से इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए नजर आए हैं कि मांग पूरी ना होने पर इच्छा मृत्यु की मांग करी है सीएम से, तो क्या लगता है, क्योंकि ये मांग तो कहीं ना कहीं असंभव सी नजर आ रही है कि उन्हें रुद्र, ये जिस तरह से अभिषेक करा जाता है जन्माष्टमी पे, तो इस अभिषेक की मांग मिलेगी वो भी शाही ईदगाह में, अगर ये मांग नहीं पूरी होती तो उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग करी है, तो क्या इच्छा मृत्यु की इजाजत मिलेगी? कुछ लोगों ने अभी मेरी राजनेताओं से बात हुई थी, कई धर्मावलंबियों से बात हुई थी और इससे क्या थी एक मुस्लिम पक्ष के थे उनसे ही मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने भी यही कहा कि ये इस तरीके की बातें और इस तरीके की एक तोहफा नहीं देती, क्योंकि जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो कोर्ट में मामला चल रहा है और इसको तो वैसे ही न्यायालय अपने हिसाब से देख रहा है, और इस मांग को लेकर के लगता है कि सरकार और मतलब कोर्ट और अब श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है, ऐसे में जो श्री कृष्ण मंदिर में पुजारी हैं उन लोगों का क्या कहना है, जब से ये मामला कोर्ट में गया है और आवाजें उठने लगी हैं अब श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए? कोर्ट का मामला कोर्ट में
चल रहा है मामला, जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बनाए, तो लोगों की मानना है कि यहाँ भी इस मस्जिद को हटा करके एक भव्य श्री कृष्ण का स्थान दिया जाए, जो कि पहले है, फिर भी उससे भी ज्यादा और भव्य बनाया जाए। यहाँ इस तरीके की सभी की मांग उठ रही है, और मस्जिद के मंदिर के बराबर में जो मस्जिद बनी है उसको हटाने की मांग लगातार की जा रही है। जितने भी धर्मावलंबी है वो सभी इसी बात पे कह रहे हैं कि ये जो मस्जिद बनी है ये अवैध है। जी, मथुरा में जन्माष्टमी की धूम रहती है, ऐसे में देश विदेश से जो भक्त होते हैं वो भी दर्शन के लिए आते हैं लड्डू गोपाल के, तो क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है मथुरा में? अभी जन्माष्टमी का पर्व अभी थोड़ा समय है, परंतु प्रशासन के द्वारा यहाँ बहुत अच्छी इंतजाम किए गए हैं। अब की पहली बार जैसे कोरोना के बाद अब दोबारा से फिर उसी तरीका से ये माहौल बन रहा है, और दूर दराज से श्रद्धालु भी आने लगे हैं, और पूरे मथुरा को पूरे दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, जैसे पहले अभी 2-3 साल पहले उसी तरीका से अब ब्रजवासियों में इस पर्व को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। जैसे लाइट लगाई गई है, रोशनी की जा रही है, श्री कृष्ण की छवि है वो फुकेरी जा रही है, जगह जगह लोक नृत्य के कार्यक्रम भी किए जाएंगे, जहाँ पर रात और दिन कारीगर लाइट और पंडाल और जो जगह भंडारे होते हैं उनकी सारी व्यवस्थाएं की जा रही है, प्रशासन के द्वारा भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और ये नहीं, श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर पर काफी समय काफी भीड़ देखने को मिल रही है, और लगता है कि इस बार अब के बाद लगता है कि अपार भीड़ आने वाली है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ मथुरा से संवाददाता धनीराम खंडेलवाल जुड़े थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बदायूं के कस्बा बिनावर क्षेत्र में खनन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन खनन माफिया खुलेआम खनन कर रहे हैं, और कार्रवाई के नाम पर सभी जिम्मेदार अफसर चुप्पी साधे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक लंबे समय से बिनावर क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर के जंगल में अवैध मिट्टी खनन का काम चल रहा है। वहीं पर लोगों का कहना है कि जिम्मेदारों की साठगांठ में खनन का काम किया जा रहा है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से खनन किया जा रहा है। अवैध खनन का मामला ये सामने आया है, जिम्मेदारों की साठगांठ बताई जा रही है, जिसकी वजह से खनन किया जा रहा है और कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। अफसर चुप्पी साधे हुए हैं, ये बात भी सामने आ रही है। कहीं ना कहीं अफसरों की, पुलिस प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, जहां बदायूं से ये खबर सामने आ रही है अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। खनन माफियाओं को प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, रात के अंधेरे में खनन करते हुए नजर आते हैं ये खनन माफिया, बेखौफ है, किसी का खौफ नहीं है इनमें, और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। बदायूं से हम आपको ये खबर बता रहे हैं, हालांकि अलग अलग जिलों से इस तरह की खनन की खबरें आती रहती हैं, लेकिन बदायूं के कस्बा मिनावर क्षेत्र में खनन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन खनन माफिया खुलेआम खनन कर रहे हैं, और कार्रवाई के नाम पर सभी जिम्मेदार अफसर चुप्पी साधे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक लंबे समय से बिनावर क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर के जंगल में अवैध मिट्टी खनन का काम चल रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि जिम्मेदारों साठ गांठ में खनन का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की ढील भी देखने को मिल रही है, बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जिम्मेदार चुप्पी साधे हुए हैं, खनन माफिया बेखौफ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रात के अंधेरे में खनन माफिया अंधेरे का फायदा उठाते हुए खनन करते नजर आ रहे हैं। बदायूं से ये खबर सामने आ रही है, जहां पे खनन माफियाओं का ये काला खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिम्मेदारों की साठगांठ की वजह से ये खनन का काम लगातार चल रहा है, और पुलिस प्रशासन मौन साधे हुए है, जिम्मेदार चुप्पी साधे हुए हैं, और
जिस तरह से ढील दी जा रही है, कहीं ना कहीं ये बात निकल के सामने आ रही है कि जिम्मेदारों की साठगांठ से ही ये खनन किया जा रहा है। इस खबर पे हमारे संवाददाता मनोज कुमार जुड़ चुके हैं। इस खबर पे मनोज पूरी जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से खनन का खेल चल रहा है, पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, साठगांठ की बात भी सामने आ रही है, पूरी जानकारी चाहेंगे। जी, जिस रात में भी खनन आ रहे हैं, हौसले बुलंद होंगे, कोई कार्रवाई होने का नाम ले रही, जबकि योगी सरकार का सख्त हाथ है। जी, योगी सरकार तो सख्त है, लेकिन जो जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं सुस्त नजर आ रहे हैं। उनकी आंखों में धूल झोंक कर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर जिस तरह से खनन किया जा रहा है, कब प्रशासन इसको लेके सतर्क होगा, सख्त होगा? कोई सतर्क नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दिख रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता मनोज जुड़े थे बदायूं से। गाजीपुर में पूर्व सांसद पप्पू यादव का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने राजनीति को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में एक झंडा लेने पर एक कार्टून दारू दी गई। जानकारी के मुताबिक सांसद पप्पू यादव गाजीपुर कोर्ट में विचाराधीन केस के सिलसिले में पेश होने आए थे। पप्पू यादव साल 1993 में गाजीपुर में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आरोपी भी हैं, जिस दौरान उन्होंने ये बड़ा विवादित बयान दिया है, जहां झंडे लेने के बदले एक कार्टून दारू देने की बात कही है। गाजीपुर से ये खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व सांसद पप्पू यादव का विवादित बयान सामने आया है, जिसके बाद काफी लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। राजनीति को लेकर विपक्ष पर जमकर बरसते हुए पप्पू यादव नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में एक झंडा लेने पर एक कार्टून दारू देने की बात कही है। ये आरोप लगाया गया है कि एक झंडा लेने पर एक कार्टून दारू दी गई है। राजनीति का चरित्र बेसिया के चरित्र से भी ज्यादा गंदा है। राजनीति पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टी को जब तक आप चैलेंज, पॉलिटिशियन पॉलिटिकल पार्टी तो पॉलिटिशियन से चलता है। इस देश के सारे कुकर्मों का जड़ झूठ के नींव पर। अब एक झंडा लो, एक कार्टून दारू लो, दिल्ली में दे रहा था ना, एक दारू लो, एक कार्टून दारू लो, एक झंडा नहीं देंगे, झंडा नहीं देंगे, अनाज झंडा लो, कर्मचारी को कह दिया 50 रुपया कट जाएगा। कि हमारी देशभक्ति तुम तय करोगे? हमारी देशभक्ति मुगल ने तय कर सका, हमारी देशभक्ति शंकराचार्य ने तय कर सका, हमारी देशभक्ति अंग्रेज ने तय कर सका। तुम आप किसको डर है भाई? मुगल 500 साल रहा, किसी को डर नहीं हो। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए गाजीपुर से संवाददाता पवन मिश्रा जुड़ चुके हैं। पवन, जिस तरह से देशभक्ति के ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आए हैं, कई बड़ी बातें बोली हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को भी आड़े हाथों लिया है, किस तरह से देखते हैं इस बयान को? जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि पूर्व सांसद पप्पू यादव, इनका हमेशा से ही हमेशा विवादित बयान रहता है। वो बिहार में है और ये गाजीपुर में कोर्ट में एक विचाराधीन केस के सिलसिले में पेश होने के लिए आए थे। जी। ये बात है, वर्ष 1993 में गाजीपुर में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आरोपी हैं पप्पू यादव, और इनके ऊपर लगभग आरोप तय भी हो चुका है। लेकिन पप्पू यादव ये ऐसे एक सांसद हैं जो देश में या प्रदेश में किसी भी की सरकार रही हो, ये हमेशा सरकार के खिलाफ ही बोलते हैं। ऐसा ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी इन्होंने इस तरीके के बयान दिए हैं। जी, लेकिन जिस तरह से इनका ये बयान सामने आया है कि एक झंडे के बदले एक कार्टून दारू दी गई है, इसके ऊपर क्या किसी ने अभी तक शिकायत दर्ज कराई है इनके ऊपर? जी, विवादित बयान तो इन्होंने दिया, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन के आदेशानुसार या अभी इस तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता पवन मिश्रा जुड़े थे गाजीपुर से।
खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां जिले में धड़ल्ले से चल रहे फर्जी अल्ट्रासाउंड पर लगाम लगाने के लिए चिकित्सा विभाग ने पूरी तरह कमर कस ली है। वहीं इसके चलते बर्डरपुर चौराहे पर स्थित बुद्धा अल्ट्रासाउंड सेंटर सहित कई अल्ट्रासाउंड पर पुलिस ने छापेमारी की, जिसके बाद छापे मारने वाली टीम की अगुवाई कर रहे डॉक्टर ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हम लोग रूटीन चेकअप कर रहे हैं, उसके तहत वृद्धा अल्ट्रासाउंड सेंटर को देखा गया और यहाँ पर बिना डॉक्टर के टेक्नीशियन द्वारा अल्ट्रासाउंड किया गया हुआ पाया गया और यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, उसके बारे में हम लोग नोटिस दे रहे हैं, उसके बाद इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है और उसके बाद जो भी सर रजिस्टर्ड है आपके विभाग से? रजिस्टर्ड तो है लेकिन रिन्यूअल नहीं। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।